नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हमीरपुर के जिलाधिकारी रही आईएसबी चंद्रकला से पूछताछ की है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम समाजवादी पार्टी के नेता रमेश मिश्रा और दिनेश मिश्रा से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीती 24 तारीख को बी चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन चंद्रकला नहीं पहुंची, जिसके बाद उन्हें सम्मन जारी कर दोबारा बुलाया गया। आईएसबी चंद्रकला बुधवार सुबह 9 बजे अपने वकील सैयद सऊद के साथ लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय पहुंची। यहां निदेशालय के अधिकारियों ने दोनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। अवैध खनन मामले में चंद्रकला से बीते गुरुवार को पूछताछ होने वाली थी, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंची। उनके वकील ने कहा कि उनसे जो दस्तावेज मांगे गए थे उन्हें जमा कर दिया गया है। चंद्रकला बाद में ईडी दफ्तर में हाजिर होंगी। चंद्रकला के पेश न होने के बाद ईडी ने दोबारा समन जारी कर चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया था। बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों केस दर्ज करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था। घोटाले की जांच के लिए ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। बी चंद्रकला पर हमीरपुर में जिलाधिकारी रहते हुए अवैध खनन और अपने परिचित लोगों को खनन पट्टे देने का आरोप है। चंद्रकला ने जुलाई 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मोरंग के खनन के पट्टे दिए थे, जबकि ई टेंडर के जरिए मोरंग के पट्टों पर स्वीकृति देने का प्रावधान था, लेकिन पी चंद्रकला ने सारे प्रावधानों की अनदेखी की थी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 साल पहले हाईकोर्ट ने बी चंद्रकला की ओर से आवंटित सभी मोरंग खनन के पट्टों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए खनन और पट्टों के आवंटन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने इस महीने की 5 तारीख को बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास समेत प्रदेश के अन्य जिलों हमीरपुर, जालौन, बुलंदशहर आदि कई जगहों पर भी छापेमारी की। छापे में सीबीआई टीम ने चंद्रकला के घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। हिंदी में बोलिएगा पूरा। हमने पिछली बार अपीयर होके यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आज अपना स्टेटमेंट दे दिया है, और इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी और बोलना प्रॉपर नहीं, अनुचित होगा। थैंक यू। बुलाया गया पूछताछ के लिए? अभी नहीं, जब बुलाया जाएगा हम आएंगे। थैंक यू। हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ थे आप लोगों के सामने। कितने सवाल पूछे गए वो गिनती मुझे याद नहीं। शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।